जर है उनको कहा था यार, मैं ये फिल्म बड़ी सीरियस है मैं इसमें नहीं जा सकता बट वो एक्चुअल स्टोरी नहीं है Because ये, क्लिप हाँ हुई थी। ये कुछ ऐसा हुआ होगा पानी जी ने जैसे ही वो वीडियो देखा बानी जी का फोन गया आज इस वीडियो में व्हाट अबाउट का पर्दाफाश आज इस वीडियो में रियल ट्रूथ बिटवीन ऑफ़ कपिल शर्मा विवेक अग्निहोत्री बहुत आ, मीडिया पे चर्चा चल रही मैं आपको रियल ट्रुथ बताने वाला हूं। कपिल शर्मा ने ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया और ट्वीट किया पर जो सच है कि बॉलीवुड का नाम चेंज होने वाला क्योंकि अब कुछ नहीं छुपेगा ये रिएक्शन दिया मैंने सच्चाई बताई है दस थप्पड़ मारे तो ग्यारह थप्पड़ अब मैं मारने वाला हूं क्योंकि इस रिएक्शन को करने के बाद बड़े सारे मैसेजेस आने लगे बड़े सारे थ्रेट्स आने लगे उन को ये नहीं पता था कि ये थ्रेट्स, ये थ्रेट्स लीगल नोटिस तो कई वीडियो के बाद मैंने झेले हैं पर बचाई है उसके बाद भी लोग बोलते हैं कि भाई काश्मीरी पंडित के साथ जेनोसाइड हुआ तो क्या और किसी के साथ नहीं हुआ इसके बारे में क्यों नहीं बोलते उसके बारे में क्यों नहीं बोलते मैं इस वॉट अबाउट के बारे में कुछ बताना चाहता हूं कि अगर एक बात बताइए अगर कोई कोविड पे डॉक्यूमेंट्री आती है 2025 में तो आप क्या ये बोलोगे कि भाई कोविड पे क्यों बनाइए डॉक्यूमेंट्री बोला का क्या Zika का क्या सार्स का क्या ऐसा बोलोगे डॉक्यूमेंट्री जब एक पेंडेमिक में बनती है तो मतलब उस डॉक्यूमेंट्री में आप यह बता रहे हो कि पेंडेमिक से क्या होता है जब हम भगत सिंह पे मूवी बनाते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं भगत सिंह ही क्या आजादी के लिए लड़े थे ये इस तरह के क्वेश्चन पूछना वॉट अबाउट करना बहुत बेकार है बस देखा देखी सुना सुनाई इन्हीं बातों पर चल रहे हो खुद दिमाग से नहीं सोच रहे लोग ये नहीं समझते एक फ्रीडम फाइटर के बारे में बोलने का मतलब यह है कि उन सारे फ्रीडम फाइटर्स को श्रद्धांजलि देना जो हमारी आजादी के लिए लड़े थे इशू इंपॉर्टेंट है इंसिडेंट नहीं विशेष इंपॉर्टेंट है व्यक्ति नहीं और ये नहीं समझ में आ रहा तो फायदा ही नहीं इसका मतलब साफ है कि आप बस भेड़ चाल में लगे हुए हो यू नो अगर आपको किसी मुद्दे के बारे में एक्चुअली में दर्द है ना किसी और को दर्द में देखकर उसको गले लगा लोगे ना तो अपना दर्द भूल जाओगे कभी करके देखना ये हर चीज में ना व्हाट अबाउटिज्म को खोदना बंद करो अगर मैं लेफ्ट होता तो वीरदास पर टिप्पणी नहीं करता अगर मैं राइट right होता तो विवेक बिंद्रा के बंगाल वीडियो को एक्सपोज नहीं करता थोड़ा सा वॉट अबाउटिज्म से बाहर निकलते हैं आगे चलते हैं एक ऐतिहासिक बात पता है आपको कश्मीर फाइल्स ने बस चार दिन में चालीस करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई बिकॉज़ इसकी लागत बहुत कम थी बहुत सारे बहुत सारे इंसिडेंट्स के जब, जब विवेक तो आपको सच्चाई देखिए उस सच्चाई को जिसको दबाया गया था दैट्स जितने भी इंसिडेंट थे कुछ भी फिक्शन नहीं है। इस इस तो

दैट इज नॉट द रियलिटी लेट मी टेल यू द रियलिटी तो uh, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं ये मूवी के बारे में जब प्रमोशन uh, वगैरह की बात हो रही थी तो लोगों ने कहा कपिल शर्मा शो पे प्रमोट होना चाहिए विवेक अग्निहोत्री से लोगों ने पूछा भी आप क्यों नहीं गया इस शो पे प्रमोट करने तो उन्होंने बोला कि भाई वै नो इज लाइक मे बी वी डोंट हैवे अग कमर्शियल स्टार इस पे कपिल शर्मा ने डायरेक्टली नहीं डायरेक्टली बोला स्टोरी कुछ अलग है बट उन्होंने स्टोरी नहीं बताई अब उसके बाद वन द मूवी बिकेम सच अ ब्लॉक बस्टर सब जल्दी से प्यार मिलने लगा तो बानीजी का एक ट्वीट आता है

uh and he does it very very well. शायद ये शायद ये भी नहीं दैट वाज नॉट द रीजन गिवन टू हिम ना बट वो एक्चुअल स्टोरी नहीं है गाइस बिकॉज़ ये क्लिप हाफ शुरू हुई थी ये कुछ ऐसा हुआ होगा <laughs> बानी जे ने जैसे ही वो वीडियो देखा बानी जी का फोन गया होगा कपिल शर्मा कपिल भाई देखो भाई देखो जो है बानी जी का लाला जो है बानी जी का अपने कोई इमेज क्लियर करनी है अपने कोई इमेज क्लियर हिट हो गई है ऑडियंस भी हिट हो गई है ऑडियंस ठू-ठू कर कपिल शर्मा हां कर देंगे सर हां कर देंगे सर हंसाओ कर देंगे सर हंसाओ हंसाओ कर देंगे सर बोल देंगे सर रियल स्टोरी कुछ और ही है, जो कि है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म जी स्टूडियो इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म दे आर प्रोड्यूस द फिल्म और जी ने विवेक को बताया था कि ऐसा उनके पास मैसेज आया दैट कपिल शर्मा शो में हम प्रमोट नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनको एक बिग कमर्शियल स्टार चाहिए जो इस मूवी में नहीं है लोग मेरे बहुत पीछे पड़े थे रोज दिन भर दिन भर आप जाते क्यों नहीं है जाते क्यों नहीं है तो फिर मैंने उनको जो ऑफिशियल रीजन था जो विच वॉज स्टेटेड टू मी बाई जी ऑफिशियली वो मैंने उनको बताया और मुझे उसे कोई आपत्ति भी नहीं है देखिए मैं समझता हूँ मार्केट की डायनेमिक्स को मुझे ऐसा कहीं पे ऐसा विश्वास था कि शायद इनके दिल में कश्मीर के लिए दिल धड़कता हो तो मुझे और फिल्म ताजकंद फिल्म में नहीं बुलाया मैंने कभी शिकायत नहीं मुझे फर्क भी नहीं पड़ता था अगली फिल्म में नहीं तो मुझे लगता था शायद इनको ये समझ में आता हो कि इस फिल्म में स्टार नहीं कश्मीर ही सुपर सुपर डुपर स्टार है उनके दिल में इतना तो होगा कि जब कश्मीर में फिल्म आ रही है तो वो चिंता ही ना करें इसमें कौन है कौन नहीं है और ये उसी इंटरव्यू में विवेक ने बताया था वो क्लिप काट दी गई कपिल शर्मा उसको सेलेक्टिवली रीट्वीट कर, कर दिया और हर जगह शेयर कर दिया शायद ये शायद ये भी नहीं,

Uh, कपिल शर्मा शो में अनुपम खेर को बुलाया गया बट वट अबाउट विवेक एंड पल्लवी इट्स अ नॉर्मल प्रोटोकॉल अगर आप किसी भी जगह किसी भी शो में प्रोमोशन के लिए किसको बुलाते हैं तो ऑब्वियसली यू विल फर्स्ट रीच आउट द प्रोडक्शन एंड द डायरेक्टर तो अगर वो अनुपम खेर को अलग से बुला रहे थे तो इट कुड बी मे बी पार्ट ऑफ द डिफरेंट प्रोजेक्ट विच वॉज नॉट टोटली फोकस काश्मीर फाइल्स अगर कश्मीर फाइल्स पर वो फोकस होता प्रोजेक्ट तो पूरी टीम को बुलाया जाता और वेक को ये बात पता होती और वेक ने उसी इंटरव्यू में नविका के साथ ये क्लैरिफाई किया कि उनको नहीं पता था और अनुपम खेर ने भी वो बोला और वहीं वो क्लिप को काट दिया गया तो गाइज सच्चाई कुछ और एनी वेज इट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट कपिल शर्मा शो में आ, कश्मीर फाइल्स को प्रमोट किया है या नहीं किया बिकॉज आप और मैं कर रहे हैं और मेरा इतना ही कहना है कि इस मूवी को ऐतिहासिक बना दीजिए बिकॉज वेन एवर अ ट्रू स्टोरी इज टोल्ड वी नीड टू मेक इट हिस्टोरिक एंड दैट्स वाई आई एम सो कंसर्न अबाउट इट बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोग ऑफ अब कुछ नहीं छुपेगा चाहे वो राइटेस्ट हो चाहे लेफ्टेस्ट हो जो असली इशू है वो नहीं छूटना चाहिए

इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा जब जब आप चाहोगे वहां मुझे पाओगे मैं हूं आकाश आप देख रहे हैं पीपोए चलता हूं शब्बा खैर खुदा हाफिस सत राम राम गुड बाय